Subscribe to our channel, clicking subscribe button and bell icon. अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। किदा सारे वीर भैन भरा मित्र बेली, उम्मीद करांगा सारे वीर भैन भरा मित्र बेली इंटरनेट सर्वे सुनोगे, सारे मित्रों का वेलकम करांगे जी अपने चैनल के जी रिएक्शन पाकिस्तान से। तो भाई अब सा गाना है भाई, सवेरे सवेरे चौंदा चौंदा आया तकरीबन, सवेरे 8:30 बजे तकरीबन आया, तो 12:01 बज गया। तो जुम्मे शुमे तैयारी कर रहे हैं, तो वेखिया तो गाना मतलब मैं चलो चलिया घर जाते गाना बना जाइए। तो गाना भाई भाई विरासत संधु का, सुख बराड़ का भाई गाना है। गाना है केरा जी, पुराना पंजाब चैप्टर टू, मतलब चैप्टर वन भी आया। तो मेरा भी रिएक्शन दिता, तुम मेरा बहुत प्यार दिता, भी प्यार की जरूरत है काफ़ी ज़्यादा। तो भाई विरासत संधु मतलब कि अजक जो काम कर रहे, मतलब कल्चर जरा साब जरा साबी जे वीर ने साबी मतलब हिस्टरी जी पछाण जाके वेख ली असी, उन्होंने बारे गाने बारे मना रहे हैं। तो तकरीबन अच्छे 15 दिन 20 दिन बाद तकरीबन भी नहीं होगा जिस तो बाद गाना आया चैप्टर टू, पुराना पंजाब चैप्टर टू। तो सारे वीर नाल बने रहे शुरू तक, एंड तक गाना काफ़ी लंबा है, तो मज़ा भी आएगा, तो एक्सप्लेनेशन भी चस आएगी। जितों समझ ना आई तो वीर पूछा, तुम्हें भी लाजमी दस्यो जे, तो सारे वीर गलों बातें करने, फिर पहले सुन लीए गाना तो एक्सप्लेनेशन फिर करा बाद चो। तो चकिए जी लैट गैट शुरू कर दे विरासत संधु म्यूजिक बाज मीडिया पुराना पंजाब चैप्टर टू। सतलुज टपके ना कंपनी कितने चढ़ता ना ताप रणजीत सारी दुनिया का फिरे बाप बनिया मतलब कि जी तोप से इन्हें को तांबे की तोप से तोप जी घूमी थी भाई, वो बंदा दाल भी जंग जेजा दाता है। तो भाई रणजीत बाबा बीमार ना हों, रणजीत सिंह बीमार ना होंगे, तो मतलब सारी दुनिया लगे रहते बाप गोरे मानते हैं। मतलब जिथे कोई नहीं खाद होता, जो बीबिया ने गवाह करके खाते होंगे सन, अफगानी या जेड़े भी खाते सन, उत्थे सरदार खाते सन आके, तो उन्होंने मतलब इज्जत जो सन, जो कुड़ियां सन जिन्होंने मतलब गवाह करके खड़िया जाता है, उन्होंने बचा के सही सलामत बाइज्जत तरीके का घर। ਚਾਕੀ ਉੱਤੇ ਛੱਟ ਗਈ ਮਸਾਲ ਵੱਖਰੀ ਉਹ ਲੜਕੇ ਸੀ ਮੋਟੇ ਤੇ ਜਵਾਕ ਟੰਗ ਕੇ ਹੁਣ ਭੁੱਲੇ ਕੱਟਣਾ ਬਲੈਕ ਹੋਣ ਦੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗੋਰੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੁੱਟ ਕੇ ਉੱਚੁਨ ਮਾਤੀ ਨਗਰੀ ਤਬਾਹ ਕਰਦੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਉੱਚੁਨ ਮਾਤੀ ਨਗਰੀ ਤਬਾਹ ਕਰਦੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਮੇਰਾ ਹੀਰੋ ਹੈ ਬਾਈ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਦਾ ਬੋਲ ਵੀ ਲਚਾਇਆ ਵਾ यार, जिन्होंने मतलब बच्चे अपने मोटे से जंग के जंग लड़ी थी, उन्होंने नाम की तुसा बिना लाजमी दसना यार जी। ओए अठ सदियां पेशावर ना मुड़िया ओए इत्थे वट्टे वट्टे आके थापी मार दे ओ जदों हरी सिंह नलुआ सी मुक्किया ओ किरे हट के सी काबल कंधार दे ओ नाके मौत ते आ रहा उत्ते ठोक के पइयां पछणा नशेरे विच खान नु ओ छेड़े तो पखले मोटा दे के मुक्क गए जिस मुल्तान जी ते मतलब जंग जी अपने मोडे उत्ते तोप ला के चलते, जरा तोप चलाने पता ही मैं शहीद हो जाना यार, मेरी साह मुक जाने ने, फिर भी नहीं वटे गए। कश्मीर फतेह किया मतलब कश्मीर से घेरा पाया, मौत दे राज खड़ के बेच यार ਬਣਾਈ ਬਟਾਲੀਆਂ ਕਰਾ
ਚੋ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਗੜੀ ਚੰਗਦਾ ਟਿੱਕੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਗੜੀ ਚੰਗਦਾ ਟਿੱਕੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਿੱਤਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੋਪ ਅਤੇ 21 ਸੇਖਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 10,000 ਜਿਹੜੇ ਅਫਗਾਨੀ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲੋ ਗਰਦ ਕਰਕੇ ਫਨਾ ਕਰ ਆਇਆ ਸੀ ਮਤਲਬ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਹੈ 21 ਬੰਦੇ ਅਤੇ 10,000 ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਮੋਢੇ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਚਲਾਈ ਸੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਡਰਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਿਕੰਦਰ ਨੂੰ ਸਿਕੰਦਰ ਯਾਦ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਸੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣ ਦੇ ਹਲਾਕੂ ਖਾਂ ਬਾਈ ਜਾਣਦਾ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਹਲਾਕੂ ਖਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਰਿੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਰੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਣੀ ਘੋੜੇ 'ਚ ਪੈਰ ਫਸ ਕੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਆਪ ਮਰ ਗਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਵੈਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਸੀਸ ਵੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਮਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਪਾਣੀ ਪੱਤਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਇੱਕੋ ਪੱਛੇ ਆਮਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਬਸ ਜੀ ਤੇ ਬਾਈ ਗਾਣਾ ਗਿਆ ਮੁੱਕ ਤੇ ਬਾਈ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਤਸ਼ਬੀਹ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਰਾਂ ਦੱਸ ਸਕੇ ਕਿ ਬਾਈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਨ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀਆਂ ਏਡੀਆਂ ਕੋਈ ਡਾਢੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੋਈ ਡਾਢੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰੀ ਸੋਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਕੌਣ ਸਨ ਕਿਵੇਂ ਸਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਜੂਦ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਿਆ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੇਗ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਯਾਰ ਕੀ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੋਪ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਤਲਾਂ ਦੀ ਤਾਂਬਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤਾਂ ਦੀ ਤੋਪ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜੰਗ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਖਲੋ ਕੇ ਮੁਲਤਾਨ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਮਤਲਬ ਜੇਲਮ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਬੜੀ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਅਫਗਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਸਨ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਮਤਲਬ 21 ਸਿੱਖ ਸਨ ਬਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ 10,000 ਅਫਗਾਨੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਤਲੋ ਗਰਦ ਕਰਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਖੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਲੋਕ ਪੈਰ ਪਛਾਣ ਢਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਬਾਈ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਈ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਖੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾ ਇੱਜ਼ਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਵਾਪਸ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਈ ਜੀ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਵਾਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇੰਜੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਔਰਤ ਰਹਿ ਪਈ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਵਿਆਹ ਕੇ ਖੜਨ ਡੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਡਾਕੂ ਪੈ ਗਏ ਪਠਾਨ ਪੈ ਗਏ ਮਤਲਬ ਅਤੇ ਪਠਾਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਘਰ ਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਗਏ ਮਤਲਬ ਬਰਾਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦੱਸੇ 15-20 ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਓ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਇਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚਾ ਜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਰੀ ਇਹਨੂੰ
मतलब तरला पाया उन्होंने सिखा ने कि भाई सानू बचा के लिया दियो। तो गए उन्होंने हरि सिंह नलवा यार या मेरे ख्याल रणजीत सिंह सर जिन्होंने मतलब बचा के आंदा सी उन्होंने उतों से लिया के अपना मतलब उन्होंने हवाले किया। तो सौरत ने आख्या कि भाई मैं नहीं इन्होंने नाल जाना है जेहे मतलब कि मेरी इज्जत की हिफाजत नहीं कर सके उन्हें मेरी इस तो बाद की हिफाजत करनी मतलब हूँ मैंने ताज़ा आइए विह करना शादी मेरी करके आँदी है तो वक्त योजे होंगे तो उन्हें मैं नहीं जाना मैं हमेशा थोड़े नाल ही रहना थोड़ी दयाई बन के रहना तो उन्हें मतलब कि ना कर दी तो उन्हें नहीं मैं ये काम नहीं कर सकता वाला इलम उस तो बाद स्कूटी का नहीं इलम है कि बनया। उस तो बाद जी गल है मतलब कि जो अफगानिया के बाद अफगानिया ने मतलब अपना कढ़िया घरों मार सबाब कढ़ के लोगों के घर पिता शिता कट्ठे करके बनाई एक तोप जी जिन्होंने असं आने तोप बना के मतलब जंग की तो उदो मुल्तान मतलब फतेह करना तो मुल्तान मतलब जितया से उन्हें किमें जितया ही हरि सिंह नलवा ने जितया से मुल्तान तो भाई रणजीत सिंह रणजीत सिंह जे सन मतलब कश्मीर के उन्होंने इन्ना बलबला से इन्ना दबदबा से मतलब कि कश्मीर उन्होंने फतेह कर लिया तो उन्होंने वक्तों के मतलब वो सरदार सर सिखा ने मतलब जिन्होंने असी कौम साड़ी जी मतलब पंजाबियों की कौम है सिख वो मतलब वो सदर सन सरदार सन जिमें असं अच्छे सरपंच कह सकते हैं साढ़े सरकार जिमें हिसाब ना उदो मतलब बादशाह होंगी बादशाह के हिसाब ने मतलब उन्होंने सारी जागीर होंगी सी बई। उस तो बाद जी गलबात की कि उस तो बाद गलबात होर मेरे ख्याल नहीं कोई भी बाकी होर भी है गल यार मेरे जहन च नहीं आ रही। हाँ दूजे नंबर जी मतलब बीबी सी यार ने दसा कि मतलब उन्होंने खिताब लिया से एक मतलब कौर सी तो सिंह सी बीबी जिन्हें मतलब अपने दोवे बच्चे मोढ़िया टंग के बन के मतलब जंग लड़ के गोरियां के मूँह तोड़ जवाब दिता सी ते गोरे मतलब बाप मंगते स मनते सन रणजीत सिंह हरि सिंह नलवा अपना के मतलब साढ़े बाप ने तो जिस वर्ग के उत्ते पंजाब मतलब साढ़े पंजाब का नाँ जिस वर्ग उत्ते लिखे आ जाता से ना गोरे उस वर्ग में अग ला के सार देते कि पंजाबी इतने आ ना पैन तो मतलब पंजाब का नाँ ही होंगे उ हिसाब से डर गए सर तो गोरे जे मतलब उन्होंने मूँह तोड़ जवाब दे के उन्होंने मतलब इतों अपने बहर क्या भाई सिकंदर आजम को कहड़ा बंदा नहीं जानता है जिन्होंने मतलब कि साढ़े पंजाबी वीर सन की ना उन्होंने यार मेरा ना जेन चुके मेरा ना दिमाग देखना तो हाँ पट है तो नहीं मेरे से जेन च रही एड्डी गल घबड़ीकी वाली तो वाहवा नाम से उन्होंने उन्होंने मतलब कि जरा सिकंदर आजम वो पूरी दुनिया फतेह करने वाला जवान से मतलब तो उन्हें आके इतों मतलब पाकिस्तान पाकिस्तानी सॉरी कह रहा पंजाब से साडा पंजाबी सिख भरा से साडा जिन्हें मतलब हरि सिंह सॉरी यार सिकंदर आजम मतलब कि मूँह तोड़ जवाब दिता तो उन्होंने मतलब शिकस्त दे के जंगलों के बचों की अपना वापस में कलिया एवं नहीं आता जट होर मत रजिया है लुट्टा कुट्टन लग पैंदा जे भुखा है तो लुट्टन लग पैंदा जी मिसाल मतलब साढ़े तो सियाण बनाई है कि जट रजिया हो कुट्टन लग पैंदा जे भुखा है तो लुट्टन लग पैंदा तो उदो जट जरा सी ना वो रजिया से तो उन्हें कुटिया तो तसला ना कुटिया मतलब उन्होंने कोई जायदाद कोई थोड़ी जी नहीं बड़ा जहाँ पैसा ही उन्होंने को मतलब रुपया सुन के बादशाह कर दिया जरा नहीं मनता है रुपये देने रुपये लैके भी नहीं मंगता उन्होंने मतलब कतल कर देंगे सन और चढ़ाई कर देंगे सर तो मतलब उन्होंने जरा गुलाम बन जाते थे सिकंदर आजम जरा मतलब उसका नाम वजना पैंता से उन्हें मतलब उन्होंने वक्तों के भी नहीं उन्हें पोरस आ गया यार दिन चना के पोरस मतलब जरा बई उन्हें जाके मतलब मूँह तो जवा दिता तो सिकंदर आजम पहली बारी मतलब उस जिंदगी शिकस्त खा के साढ़े इतों पंजाब के बरसगीर के वापस गया ही सिकंदर आजम जिंद मतलब तारीख अजक हिस्ट्री तुम सारे भी पढ़ते हो सुनते भी हो तो बाकी भाई रिएक्शन से अपना इन्ना ही उम्मीद है मित्र पसंद आएगा जो कोई उन्नीकी हुई तो भी उन्होंने हाथ जोड़ के माधर तो वीरे कोई गलती हो गई दस तो नाले बीबी का नाम लाजमी भी दसना जिन्होंने मतलब कि इन्ना व्डा सार अंजाम काम दिता कि मतलब अपने बच्चे मोढ़े का टंग अपनी पुश्त उत्ते बन के बच्चों तो जी गोरों के नाल जंग की तो मतलब उन्होंने मूँह तो जवाब दे के शिकस्त दे के बई वापस मोड़िया सल्यूट यार उन्होंने जिन्होंने इन्नी बहादरी इन्नी जुरत नजारा किया तो बाकी रिएक्शन से अपना इन्हें उम्मीद मित्र पसंद आएगा सारे मित्र ने भैन ने भावों ने तो बेलियां अपने चाचा मैं जा सकता भारा को भाण वेखो भारे जे भारे ने भारण ना भा पा हो रही है भा तुम बैठा है अपने पाठ चैनल लाइक शेयर तो सबसक्राइब करने भेलना मिलने अगली नवी वीडियो के नहीं सानू दे ज्यादा तो साढ़े वालों भी रहे हो अल्लाह हाफिज़।